हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह राजावत और आज हम देखने वाले हैं हमारे आरएस अग्रवाल सॉल्यूशंस का एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है फिल इन द ब्लैंक्स। हमारे को यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, जैसे यहाँ दिया हुआ है, तो इन सब में हमारे को कौन सा नंबर आएगा या कौन सा रैशनल नंबर आएगा या क्या आएगा वो हमारे को फिल करना है। तो इसको फिल करने के लिए हमारे को क्या होना चाहिए, इनकी प्रॉपर्टीज का बेसिक आइडिया होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। अगर आप लोगों ने हमारे कॉन्सेप्ट वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप कॉन्सेप्ट वीडियोस को जाके समझ सकते हो। वहाँ पे हमने 2 लेक्चर्स बना रखे हैं इनकी प्रॉपर्टीज के लिए, तो उस प्रॉपर्टीज को, उन लेक्चर्स को देखने के बाद में आप ये खुद करने का ट्राई कीजिए, आप अपने आप इन सबको सोल्व कर सकते हो। तो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। तो देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, इसका और इसका एडिशन और इसका और इसका एडिशन यहाँ पे कुछ आएगा, उसका दोनों इक्वल दिया हुआ है। तो देखो यहाँ एक चीज़ नोटिस करने वाली है, ये दोनों में बराबर आ रहा है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, a प्लस बी बराबर होता है b प्लस a। इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता था, कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी। तो जो कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी है वो देखो यहाँ पे वैलिड होगी, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रैशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। तो रैशनल नंबर में एडिशन के लिए कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड होती है। तो जो पार्ट यहाँ है वो तो यहाँ आ गया। अब यहाँ ऐसा क्या ऐड करूँ जिससे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल बन जाए, तो मुझे यहाँ ये वाला पार्ट लिखना पड़ेगा। तो देखो ये क्या हो गया, a प्लस बी और ये क्या बन जाएगा, b प्लस a। तो यहाँ क्या आएगा, -3/17। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। साथ में आप लोग इसकी प्रॉपर्टी का नाम भी लिख सकते हो, वो है कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी। फिर यहाँ देखो सिमिलर क्वेश्चन है, ये -9 यहाँ आ गया, ये वाला पार्ट यहाँ आएगा, तभी इन दोनों का एडिशन और इन दोनों का एडिशन क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, -21/8। यहाँ भी क्या प्रॉपर्टी आएगी, कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी होगी। सिमिलर देखो, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ इन दोनों का सम प्लस फिर इसका सम, फिर यहाँ ये अकेला है, फिर इन दोनों का सम। तो इस ये भी प्रॉपर्टी हमने एक पढ़ी थी, मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a प्लस बी प्लस सी अगर दिया हुआ है तो किन्हीं दो को पहले ऐड कर लो और फिर क्या कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो। भाई एडिशन के लिए इन दो को ऐड करके फिर इसको ऐड कर दो, या पहले इन दोनों को ऐड करके फिर इसको ऐड कर दो। तो जो रिजल्ट आएगा वो सेम ही आएगा। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ कुछ ऐसा ही बन रहा है, देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट देखो यहाँ ऐड हो गया, भाई ऐसा ही तो बन रहा है। देखो बी और सी, यहाँ बी और सी ये है, तो यहाँ बी और सी को बाद में ऐड कर दिया, तो ए इस वाली जगह पे क्या आ जाएगा, ये अब ये आ जाएगा, तभी क्या होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैलिड होगी। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो यहाँ कितना आएगा, -8/13। तो देखो पहले इन दोनों को ऐड करके ये ऐड करो, या फिर इन दोनों को ऐड करके फिर ये ऐड करो, तो रिजल्ट वही आएगा। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी वैलिड होगी वो कौन सी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये मैंने यहाँ पे बता दिया, तो इसकी प्रॉपर्टी का नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सिमिलर क्वेश्चन ये रहा, देखो पहले इन दोनों को ऐड किया, फिर इसमें ये ऐड किया, फिर यहाँ इन दोनों को ऐड किया है, फिर इसमें क्या ऐड होगा, बाकी का बच गया पार्ट, -9/11। आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी है, यहाँ भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू हो रही है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ देखो सेम वैसा ही क्वेश्चन आ गया, इन दोनों का सम किया, फिर इसमें ये ऐड किया। अब यहाँ देखो इन दोनों का सम करके फिर ये ऐड करेंगे, तो ऐसा ही कुछ यहाँ बनाया हुआ है। देखो इसका और इसका सम होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा, -3/11। तो यहाँ भी कौन सी प्रॉपर्टी वैलिड होगी, मतलब यहाँ भी कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखो क्या है कि इसमें ऐसा क्या ऐड करूँ मैं, या फिर इसमें ऐसा क्या ऐड करूँ कि रिजल्ट वही आए। तो आप लोगों को मैंने एक टॉपिक वहाँ समझाया था, उसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो, मतलब किसी भी नंबर में जीरो को ऐड कर लो या जीरो में किसी नंबर को ऐड कर लो, रिजल्ट वही आता है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी वैलिड हो रही है या लागू हो रही है वो कौन सी है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो मतलब इस जगह पे क्या लिखना पड़ेगा हमारे को, 0 0। और a प्लस बी और बी प्लस ए के हिसाब से सोचे तो कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पे वो हो रही है, लेकिन जीरो को ऐड करने पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट क्या आता है, वही आता है। तो हमारा रिजल्ट क्या, मतलब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में क्या आ जाएगा, 0, और इधर भी कितना आएगा, 0। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब हमारा 6 क्वेश्चन है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले तो ये समझते हैं एडिटिव इनवर्स होता क्या है। तो जैसे एक कोई नंबर है ए, इस नंबर में अगर उसी का ऑपोजिट साइन वाला नंबर ऐड कर दिया जाए तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 0। तो इस माइनस ए को क्या बोला जाता है, एडिटिव इनवर्स
ऑफ ए, मतलब माइनस ए को क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, और वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी हो सकता है, और माइनस और ए को क्या बोलेंगे, माइनस ए का एडिटिव इनवर्स। तो हमें एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब है ओपोजिट साइन वाला नंबर लिखना है। तो जैसे यहाँ 1/3 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ एडिटिव इनवर्स को, -1/3। यहाँ इसका कितना हो जाएगा, -17/8 है, तो 17/8। यहाँ पे 23/9 है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव का 23/9। फिर यहाँ देखो 15/-4 है, तो ये -4 क्या है, मतलब ये पूरा नेगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव वाला नंबर आएगा, तो कितना आएगा 15/4। आई होप आप लोग ये चीज़ समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे -18 है, तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा इसका, 18 होगा, क्योंकि -18 और 18 को ऐड करने पे 0 आ जाएगा। फिर बात करें तो देखो, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, कितना बचा 16/5, यानी ये ओरिजिनल नंबर अब 16/5 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स कितना होगा, -16/5। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो देखो -3/11 है, इसका 3/11 हो जाएगा, या 19/-6 है, तो इसका पॉजिटिव का 19/6 हो जाएगा। अब यहाँ भी देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये ओरिजिनल नंबर एक्चुअल में कितना बन गया, 8/7, तो इसका एडिटिव इनवर्स कितना होगा, -8/7, और उसके बाद में 0, तो 0 का अगर हम लोग क्या निकाले, एडिटिव इनवर्स, तो वो भी कितना आता है, 0। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका एडिटिव इनवर्स वही आता है, तो वो कौन सा है, 0। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के दो क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।